हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कैंची धाम से। आज मम्मी को भी ट्रैकिंग करा दी। मैं आ गया था अभी घने जंगल में ट्रैकिंग करने और इसको लग रहा है डर। मैंने बताया, मैंने भालू देखा तो मेरे जेब में सीधा भालू देखा तो इतनी हंसी आज मम्मी को भी ट्रैकिंग करा दी। थक गई हो? वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कैंची धाम से। मैं कैंची धाम आया हूँ मम्मी के साथ। प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कॉटेज बने हुए हैं जहाँ मैं पहले जाता था, उन्होंने अपनी न्यू प्रॉपर्टी बनाई है। तो एक ये इस तरह के इन्होंने कॉटेज बनाए हुए हैं। रूम है विद अटैच बाथरूम। और ये सामने का व्यू है, नीचे रिवर बह रही है और सामने दिख रहे हैं हिरन। पहाड़ी भाषा में बोलते हैं उसको काकड़। हम अभी यहाँ पे बैठे हुए थे तो हमें दिखा यहाँ से सामने, बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आया था पानी पीने। जगह बहुत अच्छी है। अभी हम जा रहे हैं पीछे, थोड़ा सा जंगल और खेत टाइप है। हम पीछे वहाँ जा रहे हैं घूमने, तो स्टे ट्यून, दिखाते हैं। बारिश तेज हो गई। कहाँ है? मेरे को क्यों नहीं दिख रही? यही है। कहाँ पे? इधर को है, आगे पीछे घूम रही है बेवकूफ। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड ऊपर से आए ना, उन्होंने भालू को देखा तो मेरा तो जिंदा तो नहीं हो गया। और वो उन्हें हल्ला किया तो मैं उनको डांटी, क्यों भगा दिया उसको, भगा दिया। मैं ऐसे देख रही हूँ, आप क्यों भगा रहे हो उसको। और घर आके मैंने बताया, मैंने भालू देखा तो मेरे जेब में सीधे भालू देखा तो इतनी हंसती। ऐसे थे, अगर वो कुत्ता नहीं होता तो मेरे पे अटैक करता था। कुत्ते की वजह से अटैक नहीं करता। शायद भूखा भी नहीं होगा। जंगल में तो फिर हम ऐसे घास काटते थे, साथ बगल में पता नहीं कहते ना, ये भाव जाते कि मांसाहारी है शाकाहारी है। मैं शाकाहारी हूँ, मैं ऐसे घाट काटती ऐसे किनारे किनारे से निकल जाते हैं, तो तेरे पास होते आते हैं। मैं नहीं खाती मेरी माँ ठंडा कुछ, और ये लोग आते हैं तो इनसे दूर भागते हैं, कहते ये उनको भी कुछ आवाज़ तो होता है भैया तुम्हारे पास कैसे आते हैं, मेरे बगल से चले जाते हैं। हिरन वगैरह हाँ होता है, इनमें भी सेंस कर लेते हैं। ये कहते थे तुम कुछ नहीं लेती हो तो उनको पता है हमको नुकसान नहीं करेगी, ऐसे ही निकल जाता है। जंगल में एक दिन मैं छोड़ी कुछ नहीं, खाना खाया ना सो गई मैं सो गई। वहाँ इतना मोटा साथ हाँ आया और मेरी भतीजी उधर से आवाज़ निकली चाची चाची, कहा कहना सांप आ गया इधर को, सांप आ गया। जब तो मैं आँख खोलूँ मेरे पैरों से नीचे निकल के जा रहा होगा, जाने के बाद तो जा एकदम मोटा था, एकदम मोटा। ऐसे क्या हो मतलब कुदरत की जो चीज़ें होती है ना, जैसे हम पिक्चर में देखते हैं उसका वो मज़ा नहीं आता, सामने देखो तो मज़ा आता। अभी वहाँ पर देखते चूहा वहाँ से भाग के उनके किचन के ऊपर जा रहा था, नीचे वाले इतना मोटा चूहा है। मैंने कहा पाल पोस के बड़ा कर दिया देखो मेरे होता है। चलो बैठो निकलते हैं, खाली आप ही आप लगा लूँगा डॉट से दिख रहा है। बाकी अगर कोई बर्डिंग का शौकीन है तो वो यहाँ आ सकता है, बहुत स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की। आवाज़ें भी आ रही होंगी बर्ड्स की। यहाँ पे सनसेट हो रहा है भाई। मैं आ गया था अभी घने जंगल में ट्रैकिंग करने, और इसको लग रहा है डर, ये कह रही है वापस चल अंधेरा होने वाला है, तो जा रहा हूँ वापस। खतरनाक वाला जंगल है भाई। प्रॉपर जानवर हैं यहाँ पे, अच्छे वाले, भालू वालू सब। हैं भालू अगर सामने आ जाए तो सांस रोक लो और कुछ मत करो। सिंपल यही है भालू से बचने का तरीका। ऑलमोस्ट रात हो ही गई है। मैं इसे जंगल में ले आया रात को। तो मोटी सनसेट हो रहा है, देख कितना बढ़िया। मस्त आवाजें आ रही है ऊपर जंगल में। न्यूज़ आई थी बीच में यहाँ पे मगरमच्छ है। और इसमें ये भी यार बादल देखो कहाँ तक आ गए। मत खोल। बारिशों में ये झील का पानी रोड पे आ जाता है। नहीं रोड में नहीं आता। बीच में न्यूज़ तो बहुत सुनी है। डैम अगर खोल दिया जाए तो नहीं आएगा, डैम अगर नहीं खोला तो तब आएगा रोड पे। आ जाता है ना लेकिन। मेरे साथ आया 3 साल पहले। बाल कैसे हो गए मेरे घुंघराले। सीधे करो बारिश से। बादल कितने नीचे आ गए। फिर क्या है ये? और भी होंगे पीछे, ऐसे दिख जाते हैं यहाँ पे। ऐसे बड़ा सुन रहा है तुम्हारी आवाज़। मस्त लगती है।